वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू डीजे डी कोड्स। आपका ट्यूशन वाला भैया नमस्कार। आज का टॉपिक है वेयरहाउसिंग। आज मैं वेयरहाउसिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा कि वेयरहाउसिंग क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि वेयरहाउस क्या होता है, और क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरहाउसिंग, नीड ऑफ वेयरहाउसिंग, टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस, प्लान, डिजाइन, लोकेशन और अदर फैक्टर्स विच डिटरमाइंस कहाँ वेयरहाउस सेटअप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेयरहाउस लेआउट और देखेंगे वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस, मतलब वेयरहाउस के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होता है। सो दोस्तों, हम लोग सीधा अपना टॉपिक में चले जाते हैं एंड लेट अस बिगिन। दोस्तों आज मैं इन सब टॉपिक्स का बेसिक्स आपको दिखाऊंगा, सब टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूंगा, लेकिन ईच ऑफ द टॉपिक एक वास्ट टॉपिक है दोस्तों। सो हर एक टॉपिक के लिए अलग सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा, जिसमें पूरा इन डेप्थ डिटेल्स दिया रहेगा सब टॉपिक के बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सब मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि वेयरहाउस और वेयरहाउसिंग में होता क्या है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि वेयरहाउस क्या है और वेयरहाउसिंग क्या है। अ वेयरहाउस इज अ प्लेस और अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग गुड्स। दीज गुड्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये वेयरहाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर भी हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर भी हो सकता है। ये क्लोजर टू द मार्केट भी हो सकता है और क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। सो वेयरहाउसिंग क्या है? वेयरहाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग गुड्स दैट विल बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड कस्टमर्स लेटर, ठीक है। सो वेयरहाउस कौन यूज कर सकता है? अ वेयरहाउस कैन बी यूज बाय अ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टम्स, होलसेलर और इवन द कस्टमर्स फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ स्टोरिंग देयर गुड्स। कोई भी यूज कर सकता है, सप्लाई चेन का हर एक स्टेक होल्डर वेयरहाउस यूज कर सकता है। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग इस डायग्राम से, ये सप्लाई चेन डायग्राम से समझेंगे कि वेयरहाउस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है कैसे? प्रोक्यूरमेंट से। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रोक्यूर होता है, वही रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक यूजेबल फॉर्म में ले आके कस्टमर्स के पास डिलीवर किया जाता है। सो एट फर्स्ट रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग प्रोक्यूर्ड, उसके बाद रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बीच से जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है और ये फिनिश गुड्स को अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टू दी कस्टमर्स। सो दोस्तों ये सप्लाई चेन डायग्राम है। सबसे पहले तो प्रोक्यूरमेंट होता है, यहां से प्रोक्यूरमेंट होता है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। मटेरियल्स प्रोक्योर होके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो गुड्स बना वो प्लांट के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो प्लांट के अंदर भी एक वेयरहाउस रह सकता है जो ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको स्टोर करेगा जब तक कि कस्टमर्स के पास डिलीवर ना हो जाए। सो दोस्तों दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो फिनिश गुड्स रहता है ना वो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास शिप किया जाता है, ठीक है। कोई बीच में इंटरमीडिएट वेयरहाउसिंग नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ प्लांट के वेयरहाउस में ही या प्लांट के गोडाउन में ही वो प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और डायरेक्टली कस्टमर जब ऑर्डर देता है उसको शिप कर देता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स यूनिट। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये प्लांट जो होता है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, इसमें जो फिनिश गुड्स बनता है वो सबसे पहले एक वेयरहाउस में जाता है, ठीक है। वेयरहाउस में कहाँ जाता है? वेयरहाउस लोकेट हो सकता है नियर द मार्केट, ठीक है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो सबसे पहले फिनिश गुड्स प्लांट से मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद वेयरहाउस में जाता है, वेयरहाउस में जाके स्टोर होता है, जैसे जैसे कस्टमर्स का ऑर्डर आता है उस हिसाब से वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसमें वेयरहाउस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वेयरहाउस ही स्टोर करता है, ठीक है, और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैच करता है, ताकि सप्लाई और डिमांड में ज्यादा गैप ना आ जाए।
सो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ वेयरहाउस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेयरहाउसिंग। सो दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिखा है इसको देख लीजिए। रेगुलेट सप्लाई एंड डिमांड, एंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, अवॉइड स्टॉकआउट सिचुएशन, सीजनल एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी स्टोर्ड, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, रीच ऑफ कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्स, प्राइस स्टेबिलाइजेशन, एंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ये सब बेसिक फंक्शंस आप बोल सकते हैं वेयरहाउसिंग का। सो ये सब पॉइंट हम लोग को दिखाता है कि वेयरहाउस जरूरत क्यों है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो दोस्तों वेयरहाउसिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टोर करना, ठीक है। स्टोर क्यों करना है? क्योंकि जो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में गैप आता है वो गैप को कम करना है, ठीक है। इसका मतलब है जब आपका कस्टमर्स प्रोडक्ट मांगेगा तब वो अवेलेबल होना चाहिए वेयरहाउस में, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए विदाउट हैविंग एनी टाइम लैग, ठीक है। मतलब सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ वेयरहाउस इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। इसका मतलब है आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जितना मन चाहे उतना आप स्टोर कर दिए कोई वेयरहाउस लेके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल। इट मीन्स दैट यू नीड टू स्टोर एंड एज पर द ऑर्डर्स यू नीड टू रिप्लेनिश दोज गुड्स इन टाइम इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकली आपका जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है स्टोर करने का वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ हैविंग एन इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दैट इन्वेंट्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज सम लिमिटेशंस, कुछ इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। जैसे यू कैनॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, कुछ प्रोडक्शन लिमिटेशंस रहता है। एंड यू कैनॉट प्रोक्योर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, आप मन चाहे जितना खुशी प्रोक्योर कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसको तो यूज भी करना है। एंड यू कैनॉट सेल बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, कस्टमर्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो नहीं दे देगा, कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, कुछ पर्टिकुलर सप्लाई कॉन्स्टेंट भी है। सो कॉन्स्टेंट है सिस्टम में, ठीक है। सो मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं। सो मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करते ही जा रहा है, ठीक है, बट मार्केट से उतना डिमांड नहीं है, देन क्या होगा? स्टॉक बिल्डअप होते जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होते जाएगा, एंड टाइम जाते 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 वो मटेरियल खराब भी हो सकता है। सो इतना प्रोड्यूस करने का फायदा क्या है? सो दोस्तों मान लीजिए आप जब डिमांड नहीं है प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपके पास स्टॉक कम है, अचानक डिमांड आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो कस्टमर्स का ऑर्डर फुलफिल कर नहीं पाएंगे, इन दैट केस क्या होगा? स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो गैप है, ये गैप को मिटिगेट करने का प्रयास करता है वेयरहाउस। ये क्या करता है? ये वेयरहाउस आपका सामान स्टोर करता है और जब जब डिमांड आता है उस हिसाब से सप्लाई करता है, ताकि सेल्स का भी लॉस ना हो और कस्टमर को भी अपना ऑर्डर टाइमली मिल जाए, कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहे। दोस्तों मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वो प्रोक्योर करता है रॉ मटेरियल, प्रोक्योर करके उसके बाद ही फिनिश गुड्स को बनाता है। तो मान लीजिए डेली वो प्रोक्योर करता है, ठीक है, कितना क्वांटिटी प्रोक्योर करता है? जितना रॉ मटेरियल एवरीडे लगता है उतना क्वांटिटी वो प्रोक्योर करता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात है। लेकिन मान लीजिए अगर ट्रक जो रॉ मटेरियल लाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो अगर बीच रास्ते में खराब हो जाए तो क्या हो गया? अगर ड्राइवर तबीयत खराब हो गया तो क्या होगा, या रोड में कुछ ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा? तो उसका मतलब है रॉ मटेरियल आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंच नहीं पाएगा, इन दैट केस प्रोडक्शन विल स्टॉप। अब प्रोडक्शन स्टॉप होने से क्या होगा? अब प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा आपके पास मटेरियल उतना नहीं है स्टॉक में फिनिश गुड्स का, कस्टमर अगर ऑर्डर दिया तो आप कस्टमर्स का ऑर्डर भी फुलफिल कर नहीं पाएंगे। सो स्ट्रेट अवे देयर इज अ लॉस। टू कोप अप विद सच सिचुएशंस वी स्टोर द मटेरियल्स इन एडवांस। रॉ मटेरियल भी बोलिए, सेमी फिनिश गुड्स भी बोलिए, या फिनिश गुड्स भी बोलिए, हम लोग आगे से इन एडवांस फोरकास्ट करके सप्लाई को और डिमांड को फोरकास्ट करके स्टोर करके रखते हैं, ताकि ऐसा सिचुएशंस ना आए, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, लीड टाइम, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस ऑफ मार्केट, सब कुछ मिला के हम लोग स्टोर करके रखते हैं वेयरहाउस में, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया कि वेयरहाउसिंग का जरूरत क्यों है। अभी हम लोग क्या देखेंगे?
अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेयरहाउस देखेंगे। दोस्तों वेयरहाउस अलग अलग तरह का होता है, वही अलग अलग टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस क्या क्या तरह का होता है। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि सप्लाई चेन में हर एक स्टेक होल्डर्स अपना अपना सामान स्टोर करने के लिए वेयरहाउस यूज करता है। सो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर्स, ये है सप्लाई चेन का स्टेक होल्डर्स। मतलब ये लोग सब वेयरहाउस यूज करता है टू स्टोर देयर गुड्स। और हम लोग ने तो अभी देख ही लिया है कि व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग वेयरहाउस। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि वेयरहाउस क्या क्या तरह का हो सकता है। पब्लिक वेयरहाउस हो सकता है, प्राइवेट वेयरहाउस हो सकता है, बॉन्डेड वेयरहाउस हो सकता है, कोऑपरेटिव वेयरहाउस हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इन वेयरहाउस अलग अलग टाइप का वेयरहाउस क्या क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक वेयरहाउस से। पब्लिक वेयरहाउस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। अगर कोई प्राइवेट फर्म उन पब्लिक वेयरहाउस को यूज करना चाहता है इन ऑर्डर टू स्टोर देयर गुड्स, वो लोग गवर्नमेंट बॉडीज को अप्रोच करता है और रेंट देके यूज करता है पब्लिक वेयरहाउस। ठीक है, प्राइवेट वेयरहाउस क्या है? प्राइवेट वेयरहाउस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज और चैनल सप्लायर्स, मतलब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ये अपना वेयरहाउस खुद ही ओन करता है और खुद ही मैनेज करता है। ठीक है, सो ये है प्राइवेट वेयरहाउस। सो दोस्तों प्राइवेट वेयरहाउस का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए फार्मर है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। सो उसका एग्रीकल्चरल फील्ड के पास एक वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट करके वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसमें स्टोर करके रखता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कोई होलसेलर या रिटेलर अपना मार्केट के पास, मतलब जहां मटेरियल बेचता है उसके सामने एक वेयरहाउस बना के अपना मटेरियल्स को स्टोर कर सकता है। तो ये है प्राइवेट वेयरहाउस। अभी हम लोग देखेंगे बॉन्डेड वेयरहाउस। दोस्तों ये बॉन्डेड वेयरहाउस आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजेंसीज। सो दोस्तों बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या होता है, इसमें इंपोर्टेड गुड्स स्टोर किया जाता है जिस गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी पे किया नहीं गया है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट के बाद ही वो गुड्स को वहां से निकाला जा सकता है। सो दीज आर बॉन्डेड वेयरहाउस। अगर ये प्राइवेट एजेंसी कोई लेता है उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड हैव अ बॉन्डेड वेयरहाउस। सो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव वेयरहाउस। दोस्तों कोऑपरेटिव वेयरहाउस, जैसे कि उसका नाम में लिखा है कि ये ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है वो अपना खुद का एक वेयरहाउस बनाता है, उसको ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। और ये वेयरहाउसिंग सर्विस या स्टोरेज फैसिलिटी वो सबके लिए नहीं देता है, सिर्फ उसका जो कोऑपरेटिव है उस मेंबर्स के लिए ही देता है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव वेयरहाउस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू हेल्प एंड सपोर्ट देयर मेंबर्स। अभी हम लोग फाइनली देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। सो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उन वेयरहाउस है जो गुड्स को स्टोर करता है यूज अमाउंट ऑफ गुड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वहां से जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी ई कॉमर्स का फ्लिपकार्ट या अमेजन का वेयरहाउस, जहां क्या होता है पूरा दिन में मटेरियल आता है अलग अलग जगह से, वो स्टोर होता है, शॉर्ट होता है, उसके बाद बाय द इवनिंग टाइम वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज टू मिनिमाइज द डिलीवरी टाइम, ताकि वो जल्द से जल्द कस्टमर्स के पास पहुंच जाए, ज्यादा देर के लिए वेयरहाउस में मटेरियल स्टोर हुआ नहीं रहता है। ये सब वेयरहाउस जनरली कंप्यूटराइज्ड होता है ताकि ये जो मूवमेंट है और ये प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हो। सो दोस्तों और ये जो वेयरहाउस होता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है, सो दोस्तों हम लोग ने देख लिया है कि अलग अलग तरह का वेयरहाउस क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग अगला टॉपिक में चले जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है कि कहाँ वेयरहाउस सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे उन फैक्टर्स को जो डिसाइड करता है कि कहाँ वेयरहाउस का लोकेशन होना चाहिए, मतलब कहाँ वेयरहाउस को सेट करना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जहां भी एक गोडाउन ले लिया और उसको अपना स्टोरेज लोकेशन बना लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग को बेसिक पर्पस ऑफ वेयरहाउस को दिमाग में रखना है कि वो स्टोरेज पर्पस के लिए है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए है। अपना ऑब्जेक्टिव को आगे क्लियर करना है कि हम लोग वेयरहाउस बना रहे किस लिए, और उसके बाद ही हम लोग मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान देंगे, उस फैक्टर्स के ऊपर ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेयरहाउस कहाँ सेट करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि वेयरहाउस कौन कौन यूज कर सकता है, एक मैन्युफैक्चरर यूज कर सकता है, एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या इवन कस्टमर्स यूज कर सकता है। सो उन सप्लाई चेन स्टेक होल्डर्स
अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रख के अपना वेयरहाउस लोकेशन सिलेक्ट करेगा। सो वो क्या क्या मेजर फैक्टर्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर अगर कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके स्टोर करना चाहता है तो उसका तो ऑब्जेक्टिव यही रहेगा ना, ताकि प्रोक्योरमेंट का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाए। तो वो ये कोशिश करेगा कि जहां रॉ मटेरियल का सोर्स है उसके सामने एक वेयरहाउस बना ले। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मतलब कस्टमर्स के पास जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिलीवरी टाइम कम करना है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हब्स का कॉन्सेप्ट में अगर सब जगह से उधर प्रोडक्ट आया, उसको सॉर्टिंग किया, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, सो दैट द डिलीवरी टाइम इज मिनिमाइज। सो डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन करना अगर ऑब्जेक्टिव है तो इट शुड बी द वेयरहाउस शुड बी क्लोज टू द मार्केट। सो ये दो फैक्टर हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग तीसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों वेयरहाउस हम लोग को सेटअप करना है, तो इधर हम लोग को वेयरहाउस उधर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, या अगर कोई एग्जिस्टिंग वेयरहाउस है सो उसको हम लोग रेंट पे लेंगे। सो दोस्तों अगर वेयरहाउस सेटअप करना है, ठीक है, तो क्या देखना है कि लैंड अवेलेबल है कि नहीं, उस लैंड का प्राइस क्या है, कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का कुछ रेगुलेशन है कि नहीं। अगर रेंट भी लेना है तो देखेंगे रेंट कितना है, पर स्क्वायर फीट रेंट कितना है, अपना टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को एनालाइज करके ही हम लोग वेयरहाउस को रेंट लेंगे या वेयरहाउस को बनाएंगे। सो हम लोग ने तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। अभी चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, वेयरहाउस हमने बना लिया, उसके साथ तो हम लोग को लेबर्स भी लगेगा, क्योंकि वेयरहाउस में क्या होगा, स्टोरिंग करने का काम, इन्वेंट्री मेंटेन करने का काम, उसके बाद ट्रक लोडिंग अनलोडिंग सब का काम करने के लिए लेबर तो जरूरत होगा। तो हम लोग को देखना है कि जहां वेयरहाउस सेटअप हो रहा है उधर लेबर अवेलेबल है कि नहीं, और लेबर का कॉस्ट कैसा है। ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर जगह में लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उधर अगर वेयरहाउस सेटअप करेंगे तो लेबर ही नहीं मिलेगा, कॉस्ट भी ज्यादा मिलेगा, तो अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। सो ये सब फैक्टर भी हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि वहां लेबर अवेलेबल है कि नहीं और लेबर कॉस्ट क्या है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दोस्तों प्रोडक्ट क्या है, ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी दोस्तों जैसे अगर पेरिशेबल कोई गुड्स है तो आपको वेयरहाउस कहाँ बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा। तो अगर पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करना है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में स्टोर करना है, तो उस तरह से वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट करना है। और ये प्रोडक्ट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सीजनल प्रोडक्ट है, 12 महीने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका, तो प्रोडक्ट बन के स्टोर होते रहेगा और जब सीजन आएगा तब डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्रोडक्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि वेयरहाउस कहाँ बनेगा। अभी क्या देखना है, कनेक्टिविटी। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइम ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग को देखना चाहिए कि कम से कम टाइम में कैसे कस्टमर्स के पास पहुंच जाएगा मटेरियल। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट रोड रेल पोर्ट और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आप अपना मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे। अगर लोकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपका रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, हाईवे से कितना डिस्टेंस है आपका वेयरहाउस ये देखना चाहिए, उस रूट में जो मेन मार्केट है उस रूट में आपका कोई ट्रैफिक कंजेशन होता है कि नहीं, नो एंट्री होता है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स आपको दिमाग में रखना चाहिए। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखना है कि रेल कनेक्टिविटी कैसा है, मतलब आपका वेयरहाउस से वो या रेलवे साइडिंग कितना दूर है जहां से वो आपका प्रोडक्ट लोड होके डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग को देखना है कि अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो हम लोग को देखना है कि पोर्ट या एयरपोर्ट कितना दूर है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव दिमाग में रख के ही आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनेक्टिविटी। अगर अच्छा कनेक्टिविटी ना हो तो वेयरहाउस का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट डिमांड, अब दोस्तों अगर वेयरहाउस मार्केट के पास है, मैक्सिमम वेयरहाउस मार्केट के पास ही रहता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब कस्टमर्स मांगे वो प्रोडक्ट वो जल्दी से जल्दी वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो दोस्तों अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट में आपका वेयरहाउस है, सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट आपको वेयरहाउस का साइज देखना है। अगर एक पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो उन जगह एक से लेके दो वेयरहाउस भी आप कर सकते हैं। सो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको हेल्प करेगा कि वेयरहाउस कहाँ सेटअप करना है। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग ने देख लिया है जो हम लोग को डिसाइड करने में मदद करता है कि वेयरहाउस कहाँ सेटअप होना चाहिए।
तो दोस्तों आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये सब फैक्टर आप दिमाग में रख के सिलेक्शन कीजिएगा कि वेयर अ वेयरहाउस शुड बी सेटअप। तो दोस्तों हम लोग ने तो देख लिया कि वेयरहाउस में क्या होता है, वेयरहाउस में बेसिकली गुड्स स्टोर होता है। सो वो गुड्स रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है या फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अभी हम लोग वेयरहाउस ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब जब कोई गुड्स वेयरहाउस में रिसीव होता है उसके बाद क्या क्या होता है तब तक जब तक ना वो कस्टमर्स के पास शिप हो जाए। तो दोस्तों एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक छोटा रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मैन्युफैक्चरर वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास भी सप्लाई हो सकता है विदाउट एनी वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब थ्रू वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू दी कस्टमर्स, ठीक है, या टू दी होलसेलर्स रिटेलर्स एंड दी कस्टमर्स। तो दोस्तों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो वेयरहाउस में जाता है, ठीक है, जैसे जैसे वेयरहाउस में ऑर्डर आता है उस हिसाब से वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट वेयरहाउस में आता है सबसे पहले क्या होता है, ट्रक अनलोड करके वो प्रोडक्ट को रिसीव किया जाता है वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर रिसीविंग दोस प्रोडक्ट्स, वो सब प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह का अगर है, ठीक है, तो उन सब प्रोडक्टों को सॉर्ट किया जाता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को एक एक ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो स्टोरेज के लिए वेयरहाउस के अंदर लिया जाता है, ठीक है। सो स्टोरेज जो ऑपरेशन है वो प्रीडिफाइंड रहता है, मान लीजिए सिमिलर प्रोडक्ट्स को कई सिमिलर जगह में रखना है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स रहता है वेयरहाउस में, पूरा एरिया को रोज एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है। तो ये वेयरहाउस जो मैनेजर है या वेयरहाउस जो स्टाफ है उनको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करना है, कब वो प्रोडक्ट आया है, उसको डेट वाइज ट्रैकिंग कर कैसे करेंगे, उसका लॉट नंबर कैसे जेनरेट करेंगे, ये सब प्रीडिफाइंड रहता है। ये अलग अलग वेयरहाउस अलग अलग मेथड फॉलो करता है। सो हम लोग ने क्या देखा है, वेयरहाउस में जब प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसके बाद सॉर्टिंग करके वो वेयरहाउस के अंदर जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग। अब कहाँ स्टोरिंग करना है, कैसे स्टोरिंग करना है, ये वेयरहाउस पर्सन को पता है, ठीक है, वो लोग लॉट जेनरेट करता है, वेयरहाउस का कौन जगह है, कहाँ रखना है, गेट के कितने पास रखना है, ये गुड्स का नेचर कैसा है, मतलब ये फास्ट मूविंग गुड है कि स्लो मूविंग गुड है, उस हिसाब से रैकिंग किया जाता है, प्रोडक्ट का वेट देखा जाता है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसे स्टोर किया जाता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप बेसिक ऑपरेशंस देख लीजिए। सो प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद सॉर्टिंग होता है, अलग सिमिलर प्रोडक्ट्स को ग्रुपिंग करके एक साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो स्टोरिंग तो हो गया, अभी वेयरहाउस पर्सन को पता है कि कहाँ स्टोर किया गया है, क्योंकि वो लोग लॉट नंबर जेनरेट करता है, जो पूरा वेयरहाउस को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, तो रोज एंड कॉलम नंबर देख के वो लोग को पता लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ है और जब ऑर्डर आएगा कहाँ से वो प्रोडक्ट निकाल के डिस्पैच करना है। सो दोस्तों जब भी ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जो वेयरहाउस पर्सन है, वेयरहाउस जो स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव है, वो लोग वो प्रोडक्ट को ढूंढते हैं अपना, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि रोज एंड कॉलम्स वो लोग के पास रहता है, देख लेते हैं कि कौन सा आगे का लॉट है, जो पुराना लॉट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देख के वो लोग ऑर्डर पिकिंग करते हैं, मतलब उनके पास रहता है कि कौन सा ऑर्डर किस किस कस्टमर्स के पास से आया है। सो एक एक कस्टमर वाइज जैसे अलग अलग पिकिंग मेथड भी होता है, नॉर्मल पिकिंग मेथड में डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर का ऑर्डर आया 10 आइटम का, ठीक है, 10 अलग अलग आइटम है, तो जो पिकर है मतलब वेयरहाउस जो स्टाफ है वो अलग अलग लोकेशंस पे जाएगा, सबसे पुराना वाला लॉट से वो पर्टिकुलर ऑर्डर पिकअप करेगा, अपना चेकलिस्ट से मिलाएगा, उसके बाद पैकिंग करेगा। सो पैकिंग करने के बाद क्या करेगा, पैकिंग करने के बाद इनवॉइसिंग होगा और वो ट्रांसपोर्टर से शिप कर जाएगा, थ्रू अ ट्रांसपोर्टर डिस्पैच कर देगा। सो ये बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे रिसीविंग, सॉर्टिंग, स्टोरिंग, पिकिंग, पैकिंग एंड शिपिंग, ये एकदम बेसिक ऑपरेशन है वेयरहाउसिंग का, हर वेयरहाउस में ये सब बेसिक ऑपरेशंस होता ही है। दोस्तों अभी तो बहुत भी दोस्तों वेयरहाउस बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है बहुत वेयरहाउस में, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है। तो जब कोई प्रोडक्ट आता है वेयरहाउस में वो जब रिसीविंग होता है सब कंप्यूटराइज होता है, प्रोडक्ट स्कैनिंग करके वो लोग बोल देता है कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट है, और जब ऑर्डर आता है तो कब कहाँ से पिकअप करना है, और उसको स्कैन करके ऑटोमेटिक सब अपडेट हो जाता है वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम में।
सो इजीली ट्रैक हो जाता है कि कौन सा ऑर्डर कहाँ है, कैसे पिकअप करना है और किस लॉट से पिकअप करना है। सो दोस्तों, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम का भी मैं एक अलग वीडियो रखूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल ये बेसिक वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस का स्टेप जान लीजिए। तो दोस्तों, आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि वेयरहाउस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, वेयरहाउसिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है कि वेयरहाउस कहाँ सेटअप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने बेसिक वेयरहाउस ऑपरेशंस भी देख लिया है। सो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप सपोर्टिंग मी। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।